कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहली आपके यहाँ भूगोल का त्रैमासिक परिचय पेपर लेके आ चुके और पूरा आपके यहाँ परिगल पेपर आ चुका। साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको रट के जाना है। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70-70 मार्क्स आएंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परिचय 2023-24 विषय भूगोल कक्षा 11वीं, समय आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो पूरा आपके यहाँ भूगोल का पेपर आ चुका, हमने आपको पहले बता दिया। आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना, ठीक है? तो आप पूरे मार्क्स लाएंगे 70-70। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखे 5 नंबर के आते हैं। तो पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हलचल कराने वाले, साथ ही पूरी फोटो हमारे पास आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पेपर हम कराने वाले। तो पहला आता सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो आता आ, आ, ठीक है, इसका ऑप्शन आता है स्थलमंडल, बा आता जलमंडल और साथ आता वायुमंडल और द आता इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा स्थलमंडल, ठीक है? तो आपको अच्छी तरह से याद कर देना, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। दूसरा आता गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो आता भूमध्य रेखा में, बा आता मकर रेखा में और साथ आता कर्क रेखा में, द आता ध्रुवों में। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा ध्रुवों में, ठीक है? अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता महाद्वीप अलग कैसे हुए, ये आपको बताना। तो आपका आता ज्वालामुखी के फटने से, बात चट्टानों की बालन से और साथ विवर्तन क्रिया से और दाता उपयोग से भी। तो महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा विवर्तन क्रिया से। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते चौथा, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है, तो आपका इसका ऑप्शन था पवन, बात महासागरीय लहरें और साथ भूमिगत जल और दाता नदी। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा नदी। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा आता उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है, तो आपका आता लू और बा आता ब्लिजार्ड और साथ सिराको और दा आता चिनूक। तो यहाँ उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है आपकी लू। तो पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके हमने करा दिए आपके 5 नंबर के विकल्प, सही विकल्प हमने करा दिए 5 नंबर के थे और आपने अच्छे से याद भी कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपके प्रश्न दो आता रिश्ते ही पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था मानसून शब्द डोंडोन भाषा के शब्द से बना है, तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा मौसम, ठीक है? पहले का आंसर आपका यहाँ मौसम हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है? पहले का आंसर आपका मौसम हो जाएगा, ठीक है? मौसम भाषा के शब्द से बना है, मानसून शब्द मौसम भाषा के शब्द से बना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान आता है भारत की जलवायु डोंडोट प्रकार की जलवायु, तो आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा 6, ठीक है? भारत की जलवायु 6 प्रकार की जलवायु है, ठीक है? आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर 6 हो जाएगा। मैं तीसरा आता दक्कन के पठार का निर्माण डोंडोट से हुआ, तो आपको जो इसका आंसर आने वाला दक्कन का पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान, ठीक है? आपको यहाँ पर लिखना बेसाल्ट चट्टान, ये आपके यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर, सॉरी आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा दक्कन की पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है सरक का निर्माण डोंडोट अपरदन कारक द्वारा होता है, जो आपको यहाँ पर चौथा दिया गया सरक का निर्माण डोंडोट अपरदन कारक द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा, ठीक है? मृदा अपरदन कारक द्वारा होता है, तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर मृदा हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था भूगोल भू एवं डोंडो शब्द से मिलकर बना है, तो आपका यहाँ भूगोल भू एवं गोल, ठीक है? गोल शब्द से मिलकर बना है, तो आपका यहाँ पाँचवें का आंसर हो जाएगा गोल। अब चलिए आपके यहाँ पर छठा था पृथ्वी सबसे अंतिम पर्वत क्रोड, ठीक है? क्रोड कहलाती है, तो आपका इसमें यहाँ पर आ जाएगा क्रोड, ठीक है? इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट, आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है? और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपको प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आती सही जुड़ी बनाई जो कि आपकी 5 नंबर की है, तो पहली आपके यहाँ पर आती है, ठीक है स्टूडेंट? आप यहाँ पर देख लीजिए जेट पवन को मैच कर देना आपको यहाँ पर तेज गर्म वायु से, और जो दूसरी आती है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मौसम नाम में होती है, ठीक है? फिर आपके आता तीसरी नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, तो इसे आपको भ्रंश घाटिया से मैच कर देनी है, और चौथी थर्मल स्थल, तो इसे आपको राजस्थान से मैच करना है, और हिमालय आपकी हो जाएगी बिलक पर्वत। तो इस तरह से आपको जो सही जोड़ी वो कम्प्लीट हो जाती है। जो पहली आपकी जेट पवन, तो इसे आपको तेज गर्म वायु से मैच कर दें, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मौसम नाम में, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हो जाएंगी आपकी भ्रंश घाटियाँ, और थर्मल स्थल आपकी हो जाएगी राजस्थान, हिमालय हो जाएगी आपकी बिलक पर्वत। तो इस तरह से आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी कम्प्लीट हो जाती है। आप चलिए आपका यहाँ प्रश्न 4 आता है, एक बात उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं। पहला पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास आपके यहाँ पर है, ठीक है? जो पहले का आंसर रहेगा पृथ्वी का व्यास कितना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 12,742 किलोमीटर, ठीक है? ये आपका रहेगा पहले का आंसर, यहाँ पर देख लीजिए 12,742 किलोमीटर। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया, ठीक है? तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 3। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता पृथ्वी
कि कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 से 30%। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 29 से 30% पर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, सिंधु नदी की प्रमुख शाख नदी कौन सी। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख शाख नदी कौन सी है, तो पहले जो आपके यहाँ पर सिंधु नदी की शाख नदी वो है आपकी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी सिंधु नदी की शाख नदी है वो है आपके यहाँ पर झेलम, चिनाव। ठीक है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। आप यहाँ पर याद कर लीजिए, हम आपको लिख नहीं सकते हैं, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो भारत में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई माह में। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा जुलाई। अरे ठीक है, आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जुलाई। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है, आपको लिख देना। 6 माह तो दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपके इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 6 में का आंसर रहेगा तमिलनाडु। अब इस तरह से आपके हो जाते हैं एक बार में होता कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य, सामान्य वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो आपका सत्य रहेगा। और डेल्टा विभागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये आपके यहाँ सत्य हो जाएगा। और मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। और आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और दक्कन की पटा के निर्माण लावा प्रवाह से हुआ, तो ये आपका सत्य रहेगा। और क्रोध हमेशा तरल अवस्था यहाँ पर आया था, तो ये भी आपको सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कम लिखा जाते हैं, पहला आपको सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा, छठा सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य असत्य कम्प्लीट। ठीक है, अब चलिए आपकी जो प्रश्न है वो देख लीजिए। प्रश्न 6 आता है, शीत ऋतु समय विधि कब से कब तक होती है, अथवा भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सभी की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सभी के आंसर भी हम करा देंगे आपके, अभी आंसर कराने वाले इसी वीडियो में। तो पहले तो आप पेपर देख लीजिए, जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। प्रश्न 7 आता है, आई टी सी जेट का पूरा नाम लिखिए, तो था गिरोह का निर्माण किस हुआ। ठीक है, अब प्रश्न 8 आता, नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का नाम लिखिए, इसका अथवा भूकंप कितने प्रकार के हैं लिखिए। और प्रश्न 9 आता, डेल्टा किसे कहते हैं, अथवा कैनियम किसे कहते हैं। तो जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 10 आता, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, अब इसका अथवा देख लेते हैं, तो ज्वारी वाल किसे कहते हैं। आपका यहाँ पर 10वीं का अथवा, फिर आपका 11 था, यू आकार की घाटी नमड़ा कैसे होता है, अथवा था मृदा अपरदान क्या समझाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया 11वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 12वां क्वेश्चन आता, तारों का नमड़ा कैसे होगा, अथवा था पार्थिव ग्रह क्या है एवं इनकी संख्या कितनी होती है। अब प्रश्न 13 आता, बिग बैग सिद्धांत क्या समझाइए, और ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया नाम लिखिए। ये आपके यहाँ पर 13वें का अथवा हो जाता। 14वां क्वेश्चन आता, पेंजिया तथा पैथालास का अर्थ बताइए, और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए 14वीं का अथवा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आता, दक्कन के पत्थर की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, अथवा था अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिए। और फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 16 आता है, प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए, अथवा था भूकंप के कोई 3 प्रकारों को समझाइए। ये आपके यहाँ पर दिया है 16वां। 17वां क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संचित्य का वर्णन कीजिए, और पवन के निक्षेप से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन, नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों को समझाइए, अथवा आता नदी के द्वारा होने वाली अपरदन को समझाइए। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन आता, हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलाकृतियों को समझाइए, अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना करके देखा, खंभा की खाड़ी, पाक जल संधि और जम्मू सिक्किम, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना, साथ ही अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपको यही करना है। तो इस तरह से पूरा पेपर आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपने अच्छे से जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तो याद कर ही लिए, ठीक है, याद कर लिए होंगे। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम पूरा सोल्यूशन करा देंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।